आज हम लोग नव यथार्थवाद के बारे में बात करेंगे और नव यथार्थवाद का विकास 1980 के दशक के आसपास हुआ था और स्वाभाविक है कि ये यथार्थवाद के एक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यथार्थवाद में हम लोगों ने देखा था कि कुछ कमियां थी। आपको याद होगा कि हमने यथार्थवाद के विषय में जब बात की थी तो उसमें कहा था कि इसकी आलोचना की गई और इसे मोनोइज्म ऑफ पावर कहा गया कि ये शक्ति का एकात्मवाद है, क्योंकि इसमें केवल शक्ति के बारे में बात कही गई। राज्य को जब डिफाइन किया गया तो कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पावर। साथ ही साथ आपने देखा था कि ये भी कहा गया कि राज्य का निर्माण मनुष्यों से होता है और मनुष्य के अंदर क्या होता है, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, लस्ट फॉर पावर। और चूंकि मनुष्य ही राज्य को बनाते हैं इसलिए राज्य का भी जो बेसिक नेचर है, मूल प्रवृत्ति है, वो लस्ट की है और सेल्फिशनेस की है। इनफैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी अप्रोचेस हैं उन सब का उद्देश्य यह जानना है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो विभिन्न एक्टर्स हैं, जो विभिन्न खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनके बीच में पावर का जो समीकरण है उसमें सामंजस्य तालमेल स्थापित किया जा सके जिससे शांति स्थापित हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने का उद्देश्य ही यह है कि विवादों का, संघर्षों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सके। और इसीलिए यथार्थवादियों ने जहां ह्यूमन नेचर के माध्यम से राज्य को समझने की कोशिश की थी और ह्यूमन नेचर में उन्होंने जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आइडेंटिफाई की थी और उसी के साथ उन्होंने स्टेट को जोड़ा था। अब नव यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। अंतर क्या दिखाई देता है कि जहां यथार्थवाद ने राज्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया तो वहीं नव यथार्थवाद ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर विशेष बल दिया। तो एक ने राज्य पर और दूसरे ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पर विशेष बल दिया। इसीलिए नव यथार्थवाद को संरचनात्मकवाद भी या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। संरचनात्मक यथार्थवाद भी इसको कहा जाता है। नव यथार्थवाद के प्रमुख विचारक, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की थी, केनेथ वॉल्स हैं और उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक 1959 में लिखी जिसका नाम था मैन स्टेट एंड वॉर, मैन स्टेट एंड वॉर, विच वॉज रिटन इन 1959। एंड द सेकेंड बुक वॉज रिटन इन 1979 एंड इट वॉज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। केनेथ वॉल्ट्स के ही विचारों को आगे जाकर नव यथार्थवाद के नाम से जाना गया या स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से जाना गया। जहां मॉर्गेंथो अपने अध्ययन में मानव स्वभाव पर बल देते थे तो वहीं वॉल्ट्स ने मानव स्वभाव की कोई चर्चा ही नहीं की और न ही राज्य संचालन के अंदर उन्होंने नीति शास्त्र की चर्चा की। मॉर्गेंथो ने डिप्लोमेसी के 9 नियम बताए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो 9 नियम है अगर इनका पालन किया जाएगा तो कूटनीति के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हैं उन्हें हल किया जा सकता है। लेकिन वॉल्ट्स ने न तो मानव स्वभाव की चर्चा की और न ही उन्होंने इस विषय में बताया कि नीति के विषय में स्टेट क्राफ्ट के लिए जो मॉरल वैल्यूज की बात मॉर्गेंथो ने की थी, जो 9 नियमों की बात की थी, वैसी कोई बात केनेथ वॉल्ट्स के द्वारा नहीं की जाती है। उनका मानना है कि राज्य शक्ति के लिए निरंतर संघर्षरत रहते, यही बात देखिए यथार्थवादियों ने कही थी,
कि राज्य निरंतर शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और उसी तरीके से केनेथ वॉल्ट्स का भी मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो विभिन्न स्टेट एक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स, वो लगातार संघर्ष में लगे रहते हैं, और जो संघर्ष है उसका कारण क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय संरचना कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करती है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम इसको प्रभावित करता है। अब इसका क्या मतलब है, वॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की एक वैज्ञानिक व्याख्या देने का प्रयास किया, और वो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि आप देख लें तो अमेरिका और सोवियत संघ की विदेश नीति के निर्माण में इस बात का बहुत बड़ा योगदान था कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संरचना थी उसमें जो परिवर्तन हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप डोमिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और थोड़ा पीछे चले जाए तो पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन, ये सभी जो यूरोपीय देश थे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते थे। एक समय था जब कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था कि वो कहीं ना कहीं सूर्य निकला रहता था उसके एम्पायर में। तो ब्रिटेन वॉज अ डोमिनेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, इन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना थी वो यूरोप सेंट्रिक थी, उसमें यूरोप केंद्र हुआ करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते ये स्थिति बदल गई। यूरोप के जो राज्य कभी महान कहलाते थे जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वॉज नो मोर ग्रेट, इट वॉज नाउ यूनाइटेड किंगडम, उसकी शक्ति में बहुत कमी आ गई थी, और उसकी शक्ति में जो कमी हुई उसी की वजह से उसे भारत को भी आजादी देनी पड़ी, यहां से उसे जाना पड़ा। 1945 के बाद जो हम पावर स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, दैट हैज टोटली चेंज्ड, और अब हम यूरोप की जगह अमेरिकन कॉन्टिनेंट को काम करते देखते हैं, और दूसरी ओर हम सोवियत संघ का राइज देखते हैं, उसका उत्थान देखते हैं। 1917 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ, रूसी क्रांति हुई, सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में उभरा, और 1945 में एक ओर हम अमेरिका को देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी ओर हम सोवियत संघ को देखते हैं। और वॉल्ट्स यही बात कहते हैं, या कह सकते हैं नव यथार्थवादी यही बात कहते हैं कि राज्यों का उत्थान और पतन प्रभावित करता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। तो अंतर आपने देखा कि यथार्थवाद क्या कहता है कि मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ है राज्य, और राज्य कैसे काम कर रहा है, वो शक्ति के लिए काम करता है, एवरीथिंग इज ओरिएंटेड अराउंड पावर, सभी राज्य संघर्ष में लगे रहते हैं, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे है, दे आर इनएविटेबल, दे आर अनअवॉइडेबल, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम उन्हें उठने से नहीं रोक सकते, लेकिन पर्पस क्या है, पीस। और इसीलिए मॉर्गेंथो ने देखिए कहा था कि हम कैसे पीस ला सकते हैं, पीस थ्रू जो एडजस्टमेंट, पीस थ्रू डिप्लोमेसी, पीस थ्रू टॉक्स, तो हम पीस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कई तरीकों से शांति ला सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने का। लेकिन नव यथार्थवादी क्या कहते हैं कि दे अग्री दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, दे आर अनअवॉइडेबल, दे ऑल्सो अग्री दैट नेशनल इंटरेस्ट मे बी डिफाइंड एज पावर, पावर सभी को चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बदल जाते हैं और वो मानव स्वभाव को उतना केंद्र में नहीं रखते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक संरचना है उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि
राज्यों के जो व्यवहार है वो किससे प्रभावित होते हैं, वो मनुष्य से नहीं प्रभावित होते हैं, वे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर से प्रभावित होते हैं। दिस इज मोर साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ बेसिंग आवर स्टडी ऑन ह्यूमन नेचर वी शुड बेस इट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए देखिए आप लोगों ने कहा कि इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, संरचनात्मक या संरचनावाद के रूप में भी हम इसको देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों देश उभरे और इन दोनों देशों की विदेश नीति के निर्माण में इस बात का बहुत बड़ा योगदान था कि अब यूरोप सेंट्रिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रह गया था, उसका पराभव हो चुका था, उसका पतन हो चुका था। और इसके बाद आप देखते हैं कि द्विध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई, कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू हो गया और अमेरिका ने अपनी जो आइसोलेशन की पॉलिसी थी उसको छोड़ दिया एंड इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन, उसने हस्तक्षेप की नीति को अपना लिया। और ये जो सारा अध्ययन था ये भी आपको पता है कि ये अमेरिका सेंट्रिक ज़्यादा था, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जो ये परिवर्तन आए उनको जस्टिफाई करने के लिए भी न्यूरियलिज्म का प्रयोग किया गया। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जैसे जैसे परिवर्तन आए वैसे वैसे हम न्यूरियलिज्म को देखते हैं कि इट ट्राइज टू जस्टिफाई द चेंजेस बीइंग ब्रॉट इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बाईपोलर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम स्थापित हो गया जिसमें एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ था। लेकिन जहां हमारे जो यथार्थवादी थे, जो क्लासिकल रियलिस्ट थे, वो कर्ता पर बल देते थे, जो स्टेट एक्टर्स थे, जो राज्य के अंदर नेतृत्व था उसकी बात वो करते थे और नेता के जो पर्सनल डिसीजंस, पर्सनल जो पर्सपेक्टिव होता था उसकी बात करते थे, तो वही नव यथार्थवादी से अलग बात करते हैं। वे जो नव यथार्थवादी है वे कर्ता की बात नहीं करते हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लीडर्स इन स्टेट्स, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स, वे संरचना को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको वो महत्व देते हैं। एंड व्हाट वाज दैट एट दैट टाइम, इट वाज बाईपोलर सिस्टम, द्विध्रुवीय जो व्यवस्था स्थापित हुई थी वे उसको उस पर बल देते हैं। और इनफैक्ट जो द्विध्रुवी व्यवस्था बनी उसको नव यथार्थवादी मानते हैं कि इट वॉज गुड इन अ वे। गुड का मतलब कि यहाँ पर दो प्रमुख देश हैं जिनको एक दूसरे की शक्ति का अंदाजा है, कितनी किसकी ताकत है, किसके अंदर कितनी मारक शक्ति है, कौन कितने हथियार रख रहा है, इसका उन्हें अंदाजा है और इसलिए वे प्रायः बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करना चाहेंगे, संघर्ष को हल करना चाहते हैं। वन एग्जाम्पल कैन बी ऑफ क्यूबन क्राइसिस, 1962 में जो क्यूबा का संकट उत्पन्न हुआ उसमें दो बड़े देश शामिल थे, यूएसए और यूएसएसआर, और चूंकि दोनों देशों को एक दूसरे की क्षमता का पता था और इसीलिए इस समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकल सका। यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली और यूएसए ने जो क्यूबा का चारों तरफ से घेराबंदी किया था उसको उसने समाप्त कर दिया। तो द रीजन वॉज दैट बोथ हैड अ वेरी गुड एस्टिमेट ऑफ ईच अदर्स पावर। तो नव यथार्थवादी बाइपोलर सिस्टम को अच्छा मानते, उनको लगता है कि ये कैसा सिस्टम है जिससे शांति स्थापित की जा सकती है। मल्टीपोलर सिस्टम जो
सेकेंड का जो कोल्ड वॉर का जो नया रूप था 79 के बाद जो आया था, जिसको हम नूतन शीत युद्ध कहते हैं, उस समय मल्टीपोलर सिस्टम बना, बहुध्रुवी व्यवस्था, उससे यथार्थवादी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं नव यथार्थवादी, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर शक्ति के बहुत केंद्र हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन है वो शांतिपूर्ण ढंग से करना मुश्किल हो जाता है, और एक ध्रुवीयता को तो वो और ज्यादा खतरनाक मानते हैं। उनका मानना है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर एक राष्ट्र बाकी सभी देशों पर अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को, अपनी विल को थोपने की कोशिश करता है। Naturally, you can see that also that after 1990, when the world became unipolar with America at its head, सारी शक्तियां कहां निहित थी? अमेरिका में। और उस समय एक नया शब्द आया था, hegemony, अमेरिका का एकाधिकार, दादागिरी का नाम उसको दिया गया, कि अमेरिका के द्वारा ये तय किया जा रहा था कि राज्य अपनी आंतरिक नीति भी कैसे बनाए। तो नव यथार्थवादियों ने इसलिए एक ध्रुवीयता को विश्व शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत बुरा माना, उसको बिल्कुल भी वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो हम देखते हैं कि जहां यथार्थवादियों ने कर्ता पर, एक्टर पर, नेता पर, नेतृत्व पर, उसकी वैयक्तिक जो पसंद नापसंद है, उसके वैयक्तिक जो दृष्टिकोण है, उन पर बल दिया था, तो वही जो हमारे नूतन यथार्थवादी हैं, वे क्या करते हैं? वे संरचना पर बल देते हैं। पुरातन यथार्थवाद के केंद्र में कर्ता और उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो वैयक्तिक आकलन था, नेहरू कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, व्यवस्था को देखते हैं, पीस की दृष्टि से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण था। या चीन में चाओएन, जो वहां के जो प्रीमियर थे चाओएन लाई, वो किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को देख रहे हैं, उस समय बल इस पर दिया गया। लेकिन वॉल्स के सिद्धांत में क्या हुआ? वॉल्स के सिद्धांत में राष्ट्रों के बीच विकेंद्रित अराजक व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक प्रमुख व्यवस्था मानी गई। विकेंद्रित अराजक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज्ड एनार्किक सिस्टम, जहां पर राज्यों के बीच में तालमेल नहीं है, राज्यों के बीच में कोई ऐसा देश नहीं है जो उनको कंट्रोल कर रहा हो। अराजकता, एनार्की का मतलब क्या हुआ? कि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि सभी देश कैसे हैं? संप्रभु हैं। ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन, and because they are sovereign, they can take their own decisions, whether they concern internal politics or external politics.